सामाजिक फ्रंट की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को पटना के भूमि विकास बैंक के सभागार में फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि फ्रंट आने वाले चुनावों में उसी दल को अपना समर्थन देगा जो दल हमारे समाज को अधिक से अधिक सम्मान देगा। वहीं सुरेश शर्मा ने कहा, आगामी 27 मार्च को पटना में राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक में हम लोगों ने अपने समाज को कैसे एकत्रित किया जाए, मजबूत किया जाए, और समाज में जो गरीब वर्ग के छात्र हैं, जो हमारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो बहुत गरीब परिवार से आती है, उसको कैसे मदद करेंगे, छात्रों को किस तरह से हम उनको शिक्षा दे करके उसको उसका हम कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवा करके कैसे करेंगे। साथ ही हमने ये भी निर्णय लिया कि भूमिहार शब्द से हम जोड़ते हैं जमीन, और भूमि के हार जो लोग हैं वह जमीन से अपने को अलग ना करें, जमीन से भी अपने को जोड़े, ताकि हमारी प्रतिष्ठा, भूमिहार समाज की प्रतिष्ठा भूमि से है, और भूमि के हार होने के नाते उसी से हम पूरे समाज को मदद करते रहे हैं। हम आगे भी अपनी उस हैसियत को कायम करेंगे और अपने को जो हमारा आदर्श श्री बाबू स्वामी जी और लोग रहे हैं, वह समाज को अपने जरिए मदद किए हैं। हम चाहेंगे कि हम इकट्ठा होकर के दूसरे समाज को ही मदद करें और सब मिलकर के एक समृद्ध, सौभाग्यशाली, संपन्न बिहार बनाने में हमारी भूमिका अहम हो। आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसला कार्यकारिणी के द्वारा लिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि आगामी चुनाव में जो दल हमें प्रतिष्ठा देगा हम उसका समर्थन करेंगे। ये प्रथम निर्णय हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है कि आगामी 27 मार्च को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में फ्रंट का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। तीसरा है कि हम राज्य स्तर पर 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाएंगे और कुल मिला के इस संगठन को पंचायत स्तर पर ले जाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। और जो हमारा पुराना संकल्प है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इसी लाइन पर हम लोग इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक और संकल्प है जिस पर फिर आज हम लोगों ने चर्चा किया है, वो ये है कि हम अपने आप को सशक्त करने, अपने समाज को मजबूती प्रदान करने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पुरखों ने इसी लाइन पर चलकर इस समाज का नेतृत्व करने का काम किया था, इसलिए हम अपने पुरखों के विरासत को पुनर्स्थापित करेंगे और हम मजबूत होकर समाज के दूसरे वर्ग के लिए सहायक बने, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसी लाइन पर कार्यकारिणी में आई कई महत्वपूर्ण एजेंडाओं पर चर्चा हुआ है और हम लोग कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।